हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। और ट्रेडिंग स्टॉक के एनालिसिस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज के इस एनालिसिस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में। तो हम लोग इन डिटेल एनालिसिस करेंगे डेली चार्ट के साथ साथ। हम लोग जो है 15 मिनट चार्ट में भी देखेंगे कि हम लोगों का ट्रेडिंग प्लान क्या होने वाला है मंडे को, और हम लोग किस लेवल पर ट्रेड करने के लिए देखेंगे। तो आप लोग जो है वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए अब जो है एनालिसिस को स्टार्ट करते हैं। कल के एनालिसिस में हम लोगों ने क्लियरली बात किया था, जो आपको यहाँ पे एक सेलिंग प्रेशर अभी भी देखने को मिल सकता है। मे बी आपको निफ्टी जो है एक बार के लिए आपको यहाँ पे रिटेस्ट कर सकता है 17,500 का लेवल। लेकिन उससे पहले मैंने आपको क्लियरली बोला था, जो आपको एक पुल बैक का वेट करना है छोटे टाइम फ्रेम में, जो कि आपको आज मिला भी। क्योंकि कल का अगर आप लोगों ने वीडियो देखा होगा तो वहाँ पर मैंने क्लियरली आपको बोला था, जो फ्लो में अगर निकलेगा तो फिर आपको यहाँ पर कहीं पर भी स्टॉप लॉस प्लेस करने का जगह नहीं है। तो बेटर होगा जो एक बार पुल बैक लेने दीजिए। पुल बैक लेने के बाद अगर यहाँ पे कहीं पे आपको जगह मिलता है, उसके बाद ही आपको सेलिंग के लिए देखना है। और वो हम लोगों को आज मिला भी, तो मैं आपको 15 मिनट के चार्ट में वो चीज़ दिखाऊंगा जो कहाँ पे मिला। लेकिन अगर आप देखेंगे तो निफ्टी आपको कंटिन्यूसली वीक है। यहाँ पे छोटा सा एक पुल बैक आया था, बट उसके बाद जो है फिर से निफ्टी जो है आपको ब्रेकडाउन हो रहा है। और आज भी आपको मेजर फॉल निफ्टी में ही हुआ, उसके बाद आपको बैंक निफ्टी उसमें पार्टिसिपेट किया। तो मेजर जो है आपको निफ्टी यहाँ पे अभी वीक है। अब कंटिन्यूसली ऑलमोस्ट आपको 6 to 7 सेशन से यहाँ पे फॉल हो रहा है। बीच में एक सेशन का हॉल्ट हुआ था। यहाँ पे अब थोड़ा सा वॉलेटिलिटी मार्केट में आपको बढ़ सकती है। दूसरा, आपको दीपावली, नेक्स्ट वीक दीपावली भी है, तो इसलिए जो है अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकता है। वॉल्यूम थोड़ा यहाँ पे जो है आपको कम हो सकता है, तो इसलिए जो है यहाँ पे थोड़ा सा आपको कॉशियसली ट्रेड करना होगा। बिल्कुल लेवल्स टू लेवल आपको ट्रेड करना होगा। तो ओवरऑल आपको अभी भी बियरिश सेटअप ही है डेली चार्ट के अकॉर्डिंग। चलिए अब हम लोग 15 मिनट चार्ट में देखते हैं। 15 मिनट चार्ट में सबसे पहले कल हम लोगों ने जब डिस्कशन किया था, तो वहां पे मैंने आपको क्लियरली बोला था, जो एक पुल बैक आप लेने दीजिए, क्योंकि यहाँ पे कंटिन्यूस फॉल हुआ है, कहीं पे भी आपको यहाँ पे हॉल्ट नहीं किया है। हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे जो 18,000 के लेवल तक जो है एक पुल बैक आएगा, लेकिन आपको 17,900 पे ही यहाँ पे आपको एक अच्छा बियरिश साइन तो हुआ, क्योंकि ऊपर गया, पुल बैक लिया, जिसका भी यहाँ पे आपको स्टॉप लॉस था वो स्टॉप लॉस को पहले हिट किया गया। क्योंकि आपको डे हाई पे जनरली जो भी आपको फर्स्ट 5 मिनट में एंटर करते हैं उनका स्टॉप लॉस डे हाई ही रहता है। यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हुआ, उसके बाद आपको 17,900 से यहाँ पे आपको एक रिवर्सल देखने को मिला। और स्लो एंड स्टडी जो है आपको निफ्टी लास्ट में ऑलमोस्ट आपको डे के लो पे ही क्लोज हुआ है। 17,700 के आसपास जो है आपको निफ्टी क्लोज हुआ है। तो निफ्टी में कहीं ना कहीं बियरिशनेस दिख रहा है। अब मंडे के लिए हम लोगों का ट्रेडिंग प्लान क्या होने वाला है? सबसे इम्पॉर्टेंट जो है अभी निफ्टी के लिए करंट जो स्विंग है, ये जहाँ पे आज ये ट्रिपल बॉटम टाइप का ऑलमोस्ट आपको फॉर्मेशन किया है, ये स्विंग आपको बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पे ऑलरेडी आपको निफ्टी यहाँ पे 3 times ऑलमोस्ट टच कर चुका है। अगर मंडे को आपको निफ्टी फ्लैट खुलता है और कुछ टाइम स्पेंड करने के बाद इसको ब्रेक करता है, तो फिर आपको एक अच्छा मोमेंटम मिलेगा। लेकिन अगर आपको ओपनिंग में ही यहाँ पे ब्रेक करता है, तो फिर जो है यहाँ पे आपको बिल्कुल छोटा स्टॉप लॉस रखना है, 25 to 30 points का स्टॉप लॉस रखना है, उससे ज़्यादा का स्टॉप लॉस नहीं रखना है। आपको यहाँ पे एक क्विक मोमेंटम मिल सकता है 17,500 का, लेकिन वो तभी होगा जब ओपनिंग कैंडल में ही ब्रेक होगा। लेकिन अगर ओपनिंग कैंडल में नहीं ब्रेक होता है, यहाँ पे निफ्टी कुछ टाइम आपको टाइम स्पेंड करने के बाद ब्रेक करता है, तो फिर जो है यहाँ पे आपको सेकेंड हाफ में अगर ब्रेकआउट आता है, तो फिर वहाँ पे आपको एक अच्छा मोमेंटम नीचे की साइड 17,500 के लेवल पे के लिए एक बार आपको रिटेस्ट हो सकता है। और उसका आपको रीजन यहाँ पे है, जो यहाँ पे आपको कुछ गैप भी पेंडिंग है, तो ये गैप भी आपको फिल होने हैं, तो इसलिए जो है आपको वहाँ तक निफ्टी जा सकता है, ड्रैग डाउन हो सकता है। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिए, अगर ये लो डिफेंड कर जाता है, तो फिर आपको यहाँ पे शॉर्ट नहीं करना है। इस लो के नीचे ही आपको शॉर्ट करना है, उसके ऊपर आपको शॉर्ट नहीं करना है। क्योंकि बैंक निफ्टी में आपको एक अच्छी रिकवरी आ जाई है नीचे के लेवल से, तो बैंक निफ्टी आपको इसको पुल अप कर सकता है। मे बी मार्केट आपको इस रेंज में वॉलेटाइल हो सकता है। ये जो आपको 17,900 और यहाँ पे जो है 600 का लेवल, इस रेंज में आपको कुछ वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकती है, और फिर आपको एक रिवर्सल भी यहाँ से देखने को मिल सकता है, क्योंकि निफ्टी ऊपर की लेवल से काफ़ी ज़्यादा ऑलरेडी करेक्ट हो चुका है।
तो इसलिए आपको वेट करना है, जो अगर ये स्विंग ब्रेक होता है तभी आपको जो है शॉर्ट ट्रेड लेना है, अगर ये स्विंग डिफेंड कर जाता है तो फिर आपको प्राइस एक्शन देख के ऊपर की साइड के लिए जो है आप ट्रेड कर सकते हैं, आपको 17,900 तक का जो है एक अच्छा यहाँ पे ट्रेड मिल सकता है। तो बस इसी लेवल पे आपको ट्रेड करना है, शॉर्ट अगर करना है तो फिर आपको इसी लेवल पे वेट करना होगा, 17,900 के पास जो है आप शॉर्ट कर सकते हैं या फिर आप जो है इस लेवल के नीचे शॉर्ट कर सकते हैं, और कहीं पे भी शॉर्ट करने का आपको ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप वहां पे ट्रैप हो सकते हैं। तो निफ्टी के लेवल जो है आई होप आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे। अब हम लोग बैंक निफ्टी में डिस्कशन करते हैं। बैंक निफ्टी का जो है आपके सामने डेली चार्ट खुला हुआ है, ये जो है आपको देखिए कितना शार्प रिकवरी हुआ है नीचे की लेवल से। अगर आप देखेंगे तो बैंक निफ्टी का लो आज समवेयर अराउंड 38,500 के पास था, और यहां से जो है आपको एक शार्प रिकवरी देखने को मिला, काफ़ी अच्छा बाउंस बैक हुआ है बैंक निफ्टी में। और ये जो है लेवल, इससे पहले इसी लेवल को ब्रेकआउट किया था बैंक निफ्टी, और यहां पे जो है एक शार्प आप रीटेस्ट भी इस लेवल का बोल सकते हैं। तो ये जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, 38,500 का लेवल जो है आज बैंक निफ्टी ने डिफेंड किया है। तो बैंक निफ्टी में भी सेम है, बैंक निफ्टी भी अभी आपको कुछ टाइम के लिए वॉलेटाइल हो सकता है बैंक निफ्टी में भी, जब तक आपको ये लेवल ब्रेक नहीं होता 38,500 का, ये जो जोन है 100 पॉइंट का, ये जोन जब तक ब्रेक नहीं होता है आपको बैंक निफ्टी में भी शॉर्ट करने के लिए नहीं देखना है। बैंक निफ्टी भी आपको जो है ऊपर की साइड, अगर एग्जैक्ट लेवल की बात करें तो आपको ऊपर की साइड 39,700 और नीचे की साइड 38,500 इस रेंज में आपको कुछ टाइम स्पेंड कर सकता है, क्योंकि बैंक निफ्टी में भी ऊपर से आपको ऑलरेडी 3,000 से ज़्यादा का फॉल हो चुका है। तो इसलिए जो है बैंक निफ्टी भी आपको इस रेंज में थोड़ा कंसोलिडेट कर सकता है, और उसके बाद अगर आपको ब्रेक करेगा तो फिर नीचे की साइड और आपको 37,000 तक का लेवल देखने को मिल सकता है। लेकिन यहां से एक बार के लिए अब ऐसा लग रहा है जो शॉर्ट टर्म बॉटम आपको बैंक निफ्टी का बन चुका है, यहाँ से जो है स्लो एंड स्टेडी फिर से आपको ऊपर जा सकता है। तो हम लोग जो है वेट करेंगे मार्केट में, जो मार्केट किस टाइप से बिहेव करता है, हम लोगों का सिंपल ट्रेडिंग प्लान रहेगा। अगर आपको यहाँ पे धीरे धीरे स्लो एंड स्टेडी अगर आपको 38,500 ब्रेक होता है तो नीचे की साइड हम लोग ट्रेड कर सकते हैं, या फिर आपको इस लेवल से 39,700 के पास अगर आपको एक बियरिश साइन दिखता है तो आप यहाँ पे शॉर्ट कर सकते हैं। लेकिन इन बिटवीन जो है आपको ट्रेड नहीं करना है, बाउंड्री पे ही आपको यहाँ पे ट्रेड करना है, और जो भी आप ट्रेड करेंगे वो आपका इंट्राडे होगा। अभी आपको यहाँ पे पोजिशनल ट्रेड नहीं मिलेगा, एक बेटर पोजिशनल ट्रेड आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा। तो आई होप आप लोगों को लेवल्स क्लियर हो गए होंगे, लॉजिक आप लोगों ने समझ लिया होगा, और लेवल्स जो है आप लोग नोट डाउन भी कर लीजिए, जिससे कि आप लोगों को लाइव मार्केट में ट्रेड एग्जीक्यूट करने में काफ़ी मदद हो। उम्मीद करते हैं आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, एनालिसिस अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। धन्यवाद।